नरेंद्र स्वरूप चंदेल का शनिवार को एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया, जिनकी शोक सभा आज दोपहर 2 से 5 बजे तक मोती डूंगरी रोड स्थित आनंदपुरी पार्क में आयोजित होगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के चैनल हेड जगदीश चंद्र नरेंद्र चंदेल के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और नरेंद्र चंदेल को श्रद्धांजलि भी दी। चैनल हेड जगदीश चंद्र ने कहा कि वो नरेंद्र चंदेल को 1983 से जानते थे, वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। आपको बता दें कि नरेंद्र चंदेल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ससुराल पक्ष से जुड़े हुए थे। नरेंद्र भाई एक बहुत अच्छे इंसान थे, वे मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। मैं सबसे पहले 1983 में उनसे स्वर्गीय रामकिशन जी वर्मा जो मंत्री थे उनके घर पर उनसे मिला था। उसके बाद लगातार मेरा उनसे संपर्क रहा और सबसे खास बात यह कि वो बहुत सिंपल थे, लो प्रोफाइल थे, सादगी में रहते थे और कभी उन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि वे गहलोत साहब के साले हैं। ये सबसे बड़ी उनकी विशेषता थी। वैसे तो संसार में जो आया है सबको जाना है, लेकिन नरेंद्र भाई तुम थोड़ा जल्दी चले गए यार, थोड़ा तो रुकते। एनी हाउ इस अवसर पर मैं ईश्वर से यह दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए वो देखें और इसके साथ ही संतत परिवार को सांत्वना दें, वो अच्छे से रहें, स्वर्ग में रहें, यही मनोकामना है।